साथियों, आज की मैं सच्ची घटना से आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस आ रहा था तो एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे, दोनों हाथ नहीं थे यानी, और वो भीख मांग रहे थे। तो मैंने अपनी गाड़ी से उतर करके देखा, कुछ जानना चाहा, तो मेरे आने के बाद में दो चार लोग और इकट्ठे हो गए। उनमें से एक अजनबी आदमी था, उसने कहा, बाबा तुम्हारे दोनों हाथ नहीं हैं, तुम भी किसके लिए मांगते हो? उसने कहा, बालक पेट है ये और पेट भरना होता है तो इसलिए मैं भीख मांगता हूँ, लेकिन आपके हाथ नहीं हैं, आप भोजन कैसे करते हो? कहने लगे, आप जैसे दाता का सखी कोई आ जाता है और उससे कहता हूँ कि भैया मेरे पास हाथ नहीं है, आप मुझे भोजन करा दिए, तो वो मुझे लगातार भोजन कराने के लिए, कई बार वो अच्छे आदमी होते हैं और वो लगातार मुझे भोजन कराते रहते हैं। लेकिन फिर एक व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया कि बाबा आपके तो हाथ नहीं है तो आप पानी कैसे पीते होंगे? तो उसने जवाब दिया कि बेटा, जिसके हाथ नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, हर अंग बहुत बहुमूल्य होता है, लेकिन जिसके पास वो अंग नहीं होता है उसे उसी कदर होती है। जब मुझे प्यास लग रही होती है तो पड़ोस का जो ये रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है, मैं इसको गिरा देता हूँ और उसमें से जो पानी निकलता है उसमें पी लेता हूँ और अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। कहने लगे, अच्छा फिर आप कैसे अपना जीवन गुजारते हो? जब रात में यहाँ पर होते हो, मच्छर आपको लगते होंगे, तो आप कैसे उन मच्छरों से अपनी रक्षा कैसे करते होंगे? कहने लगे कि जैसे ज़मीन पर लेटते हैं ठीक उसी प्रकार से लेट करके अपनी शरीर की खुजली कर लेते हैं और उन मच्छरों से बचाव हो जाता है। अनेकों प्रश्न उस बाबा ने उन सभी आने जाने वालों को दिए, लेकिन हार नहीं मानी। लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग साथियों बुरा भी होते हैं। तो जो बुरे लोग थे, दो चार लोग जो इकट्ठे हो गए थे, वो अनेकों प्रकार की बात कर रहे थे, देखो कैसा भिखारी है, लोगों से भीख मांगता है, पैसे का क्या करता होगा, कहाँ लेके जाएगा, क्या करेगा, अनेकों प्रकार की बात करने लगे। लेकिन एक दो जो सज्जन आदमी थे वह भी अपनी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए हमें इनसे सीख लेनी चाहिए, इसके दोनों हाथ नहीं हैं, हमें परमात्मा ने दोनों हाथ दे रखे हैं, लेकिन फिर भी हम कोई एक नेक और पुनीत कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके दोनों हाथ ना होते हुए भी एक बच्चा वहाँ पर आया, उस बच्चे को उसने उस 10 रुपये 20 रुपये दिए और कहा कि बेटा तुम भी भोजन कर लेना और मुझे भी भोजन करा देना। तो कैसी सोच है साथियों, इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए। परमात्मा ने हमें दातार बना के भेजा है, हमारे पास सारे अंग हमारे ठीक ठाक हैं, हम यदि किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें उसकी मदद के लिए काम आना चाहिए, हमें किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन सा अंग कब कट जाए, कौन सा रोड एक्सीडेंट हो जाए, कौन सा हवाई एक्सीडेंट हो जाए, कौन सा फायर एक्सीडेंट हो जाए, कब क्या हो जाए, कौन सा अंग चला जाए, कब आँख चली जाए, कभी हाथ कट जाए, कभी पैर कट जाए, कौन सी बीमारी से कट जाए, तो हमें कभी भी किसी भी बीमार व्यक्ति का, किसी भी अपाहज व्यक्ति का, किसी लाचार व्यक्ति का, किसी दिव्यांग व्यक्ति का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यदि हमें देने की सामर्थ्य है तो हम उसको भगवान समझ करके उसकी मदद करें, ना कि हम भीख में भीख समझ करके उसको भीख दें। साथियों, यह समय किसी के ऊपर भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, राजा फकीर बन सकता है, फकीर राजा बना सकता है, ये प्रकृति का नियम है, ये प्रभु की का आराधना है। प्रभु से सीखिए कि वो प्रकृति को जो देता है उससे हमें सीख लेनी चाहिए। हमें सबका यथोचित सम्मान करना चाहिए, वो किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, उसके साथ में भी बहुत सारा परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, पता नहीं किस वजह से, किस कारण से, किस स्थिति में उसे आज भीख मांगनी पड़ रही है। साथियों, यदि हम में से कोई भीख मांगने के लिए कहने लगे तो हम भीख नहीं मांगेंगे। भीख मांगना इतना आसान नहीं होता है, अपनी आत्मा को मारना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, जब जाके कोई दो पैसा देता है, अदरवाइज कोई पैसा नहीं देता है। साथियों, नमन करो कि आप स्वस्थ हो, आपके हाथ ठीक हैं, आपके पैर ठीक हैं, आपकी आँख ठीक हैं, आपका मुंह ठीक है, आपकी जवान ठीक रहनी चाहिए, आपका मन ठीक रहना चाहिए, आपकी स्थिति ठीक रहनी चाहिए, तभी जा कर के आप मानव जीवन का सही परिचय दे सकते हैं। ना नहीं तो ये समझ लीजिए कि इस पृथ्वी पर एसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मे ते मृत्य लोके भू भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। नहीं तो इस पृथ्वी पर मृगों की तरह चरना, आना जाना, पेट भरने के लिए जीवन करना, ये कोई माने नहीं रह जाते हैं। जीवन का माना है कर भला हो भला,
जहाँ भी जरूरत पड़े दूसरों के काम आओ, मीठा बोलो, परोपकार करो, उन लोगों का साथ दो। विपत्ति काल में ही पहचान होती है अपने और पराए की। जब विपत्ति में किसी का साथ दोगे तो परमात्मा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इन सब बातों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। यदि आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करना और एक अच्छा इंसान बन के एक इंसानियत का परिचय देना, ये जीवन है और इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। वर्तमान में जी लीजिए, पल दो पल की जो ज़िंदगी है, भविष्य पता नहीं किसी ने देखा है आज तक नहीं देखा है, मैं नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन वर्तमान में कहता हूँ कि प्रभु की आत्मा समझ करके, परमात्मा की आत्मा समझ करके किसी का भी चरण वंदन कर लीजिए, अभिनंदन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, दुआएं ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।